कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इंडिया ने 61 मेडल जीते। उन 61 मेडल में हमें कई सारे स्पोर्ट्स से कई सारे मेडल्स आए, लेकिन जैसा दबदबा रेसलिंग का रहा वैसा किसी भी स्पोर्ट का नहीं रहा। 12 इवेंट्स में हमने हिस्सा लिया, 12 में मेडल्स मिले। एक हमारे साथ अभी पूजा हैं, इन्होंने विमेंस वेट लिफ्टिंग 50 kg कैटेगरी चेंज किया है इन्होंने हाल ही में, तो थोड़ा सा इतने सारे रेसलर से मुलाकात होती है, कभी कभी गलतियाँ हमसे भी हो जाती है, लेकिन 50 kg कैटेगरी में कमाल की रेसलिंग की पूजा ने और मेडल हमारे लिए। सबसे पहले तो पूजा ये सवाल कि आपके लिए बर्मिंघम जाने का एक्सपीरियंस और वहाँ पे जो भी प्रिपरेशंस थी उसके, मतलब बर्मिंघम जाने से पहले की प्रिपरेशंस, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर इतना बड़ा कंपटीशन तो मैं पहली बार खेली थी और मुझे बहुत वो था कि हाँ इस बार, मतलब इतनी अच्छी तैयारी की थी उस चीज़ के लिए कि भाई भगवान ने इतनी मुश्किल से मौका दिया है, तो मैंने गोल्ड की तैयारी की थी लेकिन ब्रॉन्ज आया। कोई बात नहीं सर, वो तो प्लेयर का दिन होता है, और तैयारी तो अच्छी थी सर, गए और बहुत एक्साइटेड थी मैं कि इतने बड़े गेम्स में जाएंगे, देखेंगे, तो अच्छा था सर। चलिए, तैयारी अच्छी थी, पूजा कह रही। पूजा आपने कहा कि गोल्ड की तैयारी थी लेकिन ब्रॉन्ज लेके आई, मुझे वो मोमेंट याद है जब आप सिल्वर मेडल वाला बाउट जो था वो जब आप हारी थी, तो उस वक्त दिमाग पे क्या चल रहा था, कहाँ चूक हुई, कैसे क्या गलती हो गई, क्या ऑपोजिशन जो था, जो ओपोनेंट था वो बहुत बेहतर था, या आपसे कोई गलती हुई, क्या हुआ? सर मेरी गलती थी कहीं ना कहीं, जो मतलब वहाँ पे डिफेंस की जरूरत थी और मैं थोड़ी सी गलती हुई सर वहाँ पे, और वो थोड़ी सी गलती मेरे को बहुत पीछे लेके चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिला है खुश है सर उसमें भी। कोई बात नहीं, हम एशियन गेम्स पेरिस 2024 इनकी तरफ आगे देखेंगे, आगे उस गलती को दूर करेंगे और जो मन में रह गया उसको आगे पूरा करेंगे, क्योंकि वो 9 सेकंड मैं कई दिन क्या सर अभी तक नहीं भूल पाती, कई बार जैसे याद आ जाता है तो ऐसे आँखों में पानी आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। जो पूजा जब आप मैच आ रही हैं और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए आप जब खेलने गई, लड़ने गई, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये मैच तो जीतना ही है, इसके लिए क्या करना है, कोचेस ने आपसे क्या कहा, आपके परिवार से आपकी क्या बात हुई? सर जब मैं सेमीफाइनल बाउट हारी तो मेरे को ना एकदम से मैं सुन हो गई हारने के बाद, मतलब दिमाग ने कुछ सोचा ही नहीं हार जीत क्या एकदम से, तो कोचेज ने भी मेरे को समझाया कि ऐसे, मतलब मैं रो रही थी, सर ने समझाया कि भाई अभी तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी लड़ना है, ऐसे मत करो। मैंने कहा सर नहीं, मेरी तो हिम्मत ही टूट गई बिल्कुल और मैं तो खेल ही नहीं पाऊँगी। तो हमारे चीफ कोच हैं और जो हमारी टीम है कोचेज हैं, तो सब ने हमें, मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया कि अभी तो तेरा पहला कॉमनवेल्थ है और तू अभी आगे का सोच, अभी इसको भी क्यों खो रही है, तो सर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, तब मैं थर्ड बाउट के लिए गई, वरना एकदम से तो टूट ही गई थी मैं। ये मेडल जो आपने जीता है देश के लिए, ये आप किसको डेडिकेट करना चाहेंगे? सर ये मैं अपने देश को डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि सभी देशवासियों ने बहुत दुआ की थी और वहाँ पे भी बहुत हौसला दिया था हमें, मतलब इंडिया वाले बहुत आए हुए थे, देख के बहुत अच्छा लगा कि सब ने बहुत वो किया सर, तो सभी देशवासियों को। इंडिया इस साल अपने इंडिपेंडेंस का 75 साल मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस पर आप अपने यूथ को, जो लोग रेसलिंग करते हैं उन्हें, अपने परिवार को, अपनी कम्युनिटी को क्या कहना चाहेंगे? पूजा थोड़ी सी भावुक हैं, थोड़ा सा मोमेंट ऐसा है जब आप देश के लिए ऐसे सपने देख कर जाते हो कि आप गोल्ड मेडल लाओगे और कहीं एक हल्की सी चूक हो जाती है, तो हो जाता है, इंसान भावुक हो जाता है, बहुत कड़ी मेहनत गई है इसके पीछे, आसान लगता होगा बट बिल्कुल भी आसान नहीं है, 3-3.5 साल की मेहनत गई है इसमें, और उसके बाद पूजा हमारे लिए एक मेडल जीत के लाई हैं। मैं जब हमने ब्रेक लिया था तब भी उनसे यही कह रहा था कि आगे एशियाड है, उसके बाद फिर पेरिस है, उसके लिए मेहनत करती रहनी चाहिए, करती रहनी पड़ेगी, और आई एम श्योर पूजा करती रहेंगी और आगे भी हमारे लिए मेडल जीतती रहेंगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा आप आखिरी में अगर कोई मैसेज अपने दोस्तों को, अपने फैंस को, किसी को भी कुछ भी कहना चाहें, तो आप अपना कोई मैसेज दे सकती हैं, अपने परिवार से कुछ कहना चाहती हैं? सर बस ठीक है मेरे को। चलिए अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया। ललन टॉप स्पोर्ट देखते रहिए और हम आप तक सारी खबरों की अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।